हेलो एवरीवन, तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे जो पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 हो, डाटा ऑपरेटर हो, तकनीकी सहायक हो, और बहुत सारे जो पोस्ट है, सहायक अभियंता है, जिला समन्वयक का है, विकास खंड समन्वयक का है, प्रशिक्षण नहीं है, वो आवास समन्वयक है, जिसमें आपको पूरा जो दिया हुआ है कि कितना कितना पोस्ट है। तो आप जब भी उसको अप्लाई करें ना, तो आवास समन्वयक के नाम से करें, ना कि प्रशिक्षण समन्वयक के नाम से, ठीक है। क्वालिफिकेशन वही रहेगा जो जो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये पोस्ट जो दिया है, आप बहुत लोग जो इसमें कमेंट किए कि इसका डिटेल नहीं दिया था, आप इसको आवास समन्वयक के नाम से ही जो अप्लाई करें, ठीक है। और मैं आपको वीडियो, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, कैसे रेड एनवलप बोलता हूँ, जो एनवलप बनाते हैं ना, जिस लिफाफे में हम उसको सेंड करते हैं, क्या क्या हम फिल करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट, सारी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैंने जो फिल किया है स्टेप टू स्टेप फॉर्म को, और एनवलप में क्या क्या लिखना है, पूरी जानकारी बताऊँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इसका फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ये प्रिंट आउट दिया हुआ, इसी में से ही आपको जनपद और जिला दोनों का ही सेंड होगा, ठीक है। कहाँ पे भेजना है, लोगों को बहुत सारा डाउट है कमेंट में कि जैसे हम विकास स्तर पे भेज रहे हैं, तो हम क्या जनपद में हम इसको सेंड करें क्या, ऐसा बहुत लोग कमेंट कर, नहीं, इसको जैसे जो जनपद स्तर का, जैसे विकास समन्वयक का जो पोस्ट है, हम इसको जनपद में नहीं, जिला में ही भेजेंगे, क्योंकि जो सारा प्रोसेस होता है वो जिला से ही होके जाता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे पूरी जानकारी बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, यही डाउट था कि कैसे हम, अगर जिला स्तर में तो सीधा जिला जिला का लिख देते हैं, जिला पंचायत बालोद है तो बालोद करके हमने सेंड कर दिया, बट क्या हो रहा है कि जनपद स्तर में, तो हम जनपद स्तर में कैसे करेंगे, जनपद स्तर में क्या करना है। चलिए मैं सबसे पहले मैं जो फॉर्म भरा हूँ अपना, वो दिखा देता हूँ। ये मैंने जो है भरा है, ये तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सीधा सीधा कि ये सहायक अभियंता का पोस्ट है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि जिला स्तर का, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली जो वो स्तर का है वो दिखा देता हूँ, जो खंड स्तर का होगा उसके लिए प्रॉब्लम होगा बहुत लोग को। खंड स्तर का है ये, है जैसे कि खंड स्तर का, ठीक है। खंड स्तर में क्या है, देखिए वहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे टॉप में तो आवेदित जी पद का नाम लिख लेना है, किस पोस्ट के लिए आवेदित कर रहे हैं, विकास खंड समन्वयक के लिए, कौन सा जिला है वो ध्यान से देखना है, जैसे ये बालोद जिला है, ठीक है। अब नीचे पे यहाँ पे प्रति लिख रहे हैं कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कौन सा आएगा, उसका मेन आएगा जिला पंचायत बालोद, बट वहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है साइड में, आपने यहाँ पे देखे राइट साइड में देखे बालोद के साथ में आपको दिया है जनपद पंचायत, तो आपको ब्रैकेट में लिख देना है जनपद पंचायत गुरूर, क्योंकि बालोद, जैसे बालोद में दो जगह के लिए दिया है, जिला बालोद और जनपद पंचायत बालोद दोनों दिया हुआ है, बट सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आप किस जिला के लिए अप्लाई किए, तो यहाँ पे जिला पंचायत बालोद अप्लाई करने के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए जनपद पंचायत गुरूर, क्योंकि मैं बालोद में ना भर के गुरूर के जनपद पंचायत के लिए इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म बहुत केयरफुली फोटो लगाना और फोटो पे सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट जो 10वीं 12वीं, आगे नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं पहले, ठीक है। आवेदक का नाम, इस सारा जो बेसिक है वो सारा चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कर लेना है, जो भी आधार कार्ड डालोगे पूरा आधार कार्ड का आपको इन्फॉर्मेशन, 10वीं 12वीं देखें लाइन से, ये सब 10वीं 12वीं, कॉलेज, MSc, PGDC, जो भी जितना है सारा आप जो है यहाँ पे इसको लिख लीजिए। उसका सेकंड प्रति में आएंगे ना, तो यहाँ पे वैवाहिक स्थिति पूछ रहा है, अगर अनुभव है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। वैवाहिक स्थिति में अविवाहित डाल के क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, अगर जो भी एक्सपीरियंस का अगर डालेगा तो उसको बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ये डालना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी, अगर ये आप अगर अनुभव डाल दिया है, अगर नहीं डाल रहे हैं तो इसके बिना आप एलिजिबल नहीं होगा, अगर आपने एक्सपीरियंस डाला है तो। तो सबसे पहले 10वीं लिखना है, 12वीं लिखना है, उसके बाद ग्रेजुएशन चाहे कोई भी सब्जेक्ट में वो लिख देना है, अगर जो सब्जेक्ट मंगा है। फिर मास्टर डिग्री आपने किया तो मास्टर करना है। फिर छठवां पॉइंट बनाना है PGDC, अगर आपने PGDC किया तो वो अप्लाई कर दीजिए। सातवां पॉइंट आप जाति प्रमाण पत्र बना दीजिए। आठवां पॉइंट में निवास प्रमाण पत्र। नौवां में रोजगार पंजीयन, कंपलसरी बिना रोजगार पंजीयन के आप नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें सारा डाटा दिखता है कि आपने क्या क्या चीज़ की है रजिस्ट्रेशन। और है नौवां रोजगार पंजीयन और आधार कार्ड। सिग्नेचर कर देना है, नाम लिख के आवेदक का नाम और हस्ताक्षर लिखा लिख दीजिए और सबमिट कर दीजिए। उसका सारा डॉक्यूमेंट जो जो है सारा आपको अटैच करना है, ठीक है। ये तो हुआ कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे लिखा जा रहा है। अब मैं बताऊंगा एनवलप में कैसे लिखेंगे, अब इसको एनवलप में कैसे लिखेंगे वो बताता हूं मैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए, ये मैंने जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्पेशली अप्लाई किया है। तो इसमें कैसे आपको देखना है, एक वाइट लिफाफा रहेगा जो आता है ना एनवेलप जिसमें हम सेंड करते हैं, तो ऐसे ऊपर में साफ साफ अक्षरों में लिख दिया गया है पद का नाम लिखना जरूरी है। जिस पद के लिए आप डाल रहे हैं उसका पद का नाम डाल लीजिए। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर दो जगह है, एक जिला स्तर पर है और जनपद स्तर पर है, ठीक है। तो सामने वाले पता कैसे चलेगा कि किस स्तर के लिए, जैसे जो जिला स्तर का है तो आपको जिला यहाँ पे लिखना नहीं, खाली लिख देना ऊपर में जो जनपद स्तर लिखा ना जनपद में, उसकी जगह सिर्फ आप जिला स्तर लिख लीजिए, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर उसको वहाँ जब जमा होगा तो क्या है बहुत सारे अलग अलग रहेगा, जो जनपद उसको जनपद साइड कर देंगे, जो जिला उसको जिला साइड में कर देंगे। तो जिला स्तर का अगर भर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर तो जिला लिख देना है ब्रैकेट में, अगर जनपद का कर रहे हो तो जनपद पंचायत, और जनपद पंचायत में आपको देखना है कि किस जिला के अंतर्गत में जनपद पंचायत आता है। तो जैसे मैंने इसको गरियाबंद में अप्लाई किया है डाटा एंट्री ऑपरेटर को, तो गरियाबंद नीचे तो लिख दिया। देखिए इस तरह प्रेषक में सबसे पहले बता देता हूँ, ये तो पॉइंट समझ में, और किस वर्ग से आते हैं उसको लिखना जरूरी है, ठीक है। आप एसटी ओसी ओबीसी जनरल जो भी आते हैं अनारक्षित जो भी लिख देना है यहाँ पे। प्रेषक, प्रेषक में आपका इन्फॉर्मेशन रहता है लेफ्ट साइड, इसी पैटर्न में ही बना के लिखना चाहते हैं आप इसको, कंप्यूटराइज प्रिंट कर लीजिए या आप हैंड रिटन भी लिख सकते हैं। मैं टाइम बचाना है क्योंकि बहुत सारा अगर बिजनेस रहता है तो इसमें कुछ नहीं, सब बना रहता है फॉर्मेट ये, ठीक है। तो मैं इसको बना के रख दिया, खाली प्रिंट मारता हूँ नाम इन्फॉर्मेशन लिख के। तो प्रेषक लिखना है, इसमें आपका नाम लिखना है जिस नेम से, जैसे लिखा पिता का नाम लिख दीजिए, पता लिख लीजिए, पिन कोड लिखना है अपना, सारे इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर। प्रति में, अब प्रति में इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिसको भेज रहे हैं, तो हमको भेजना है मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजना है। कौन से जिला पंचायत है वो जिला पंचायत है गरियाबंद, ठीक है। कौन सा जिला आता है गरियाबंद, और उसका पिन कोड लिख देना है। अब जब अंदर में फॉर्म देखेंगे तो जैसे मैंने अभी जस्ट पहले तो यहाँ पे समझ में आ गया, इजी है, कोई वो नहीं है, बस इसी को ही ध्यान में रखना है। अगर जिला का है तो सिर्फ जिला इस पर लिख लीजिए, पोस्ट मतलब जिला एकदम लिखने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे आ जाता है आपका जिला। अब क्या होगा, डाउट था जिन लोग का कि हम जनपद में भर रहे हैं तो हम क्या जनपद में उसको भेजेंगे, नहीं, जनपद का भी पिन कोड आता है, आप जनपद में भेज देंगे तो जनपद में चल जाएगा, लेकिन सिलेक्शन तो पूरा जिला से होके जाना है ना, तो गरियाबंद में सिलेक्शन होगा। गरियाबंद में बहुत सारे आते हैं, देवभोग है, अलग अलग पूरा ब्लॉक आते हैं ना ये, तो हम, मैं इसको जनपद पंचायत, एक ये भी है, एक ब्लॉक है मैनपुर, तो मैंने मैनपुर में सेंड किया है इसको, ठीक है। जो भी सिलेक्शन होगा ये किसके लिए होगा, जिला से सिलेक्शन होगा, लेकिन आपका जब भी पोस्टिंग होगा वो मैनपुर में होगा, आपका नाम लिस्ट आ जाता है, तो सबका एक मेरिट लिस्ट बनेगा। इसी तरह मैनपुर में कितने लोगों ने आवेदन किया वो देखेंगे, देवभोग में कितने लोगों ने आवेदन किया वो देखेंगे, इसी तरह, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट आए तो बिल्कुल और पूछ सकते हैं। इसी तरह पैटर्न में लिखना है, सारा डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिए, दसवीं बारी कॉलेज जितना भी है आपका, जो जो पूछा गया है आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। एक्सपीरियंस डालना है तो सैलरी स्लिप डालना पड़ेगा। जैसे कुछ कुछ लोग कमेंट किए थे कि जैसे आवास मित्र के तहत कार्य कर रहे हैं बट उसको सैलरी स्लिप नहीं है, तो इसमें जैसे ये लोग ने मांगा है तो आपको फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये PDF, तो अगर आप इसका वर्ड चाहिए तो मैं वर्ड आपको मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप बना है उसमें मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, इसको इसका वर्ड दे दूंगा, आप भी इसी तरह प्रिंट कर सकते हैं। मैंने सारा जितना भी अप वो किया सारा इसी तरह अप्लाई किया हुआ है, दिखा देता हूँ। ये देखिए सारा इसी तरह लिफाफे मैंने पूरा प्रिंट मार मार के पूरा ऐसी इसमें किया हुआ है। एक चीज़ याद रखना, जिस जिले में आप इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस पोस्ट को कोई भी अदर जिला में नहीं करना है, ये चीज़ गौर करना है आपको। कोई भी पोस्ट हो उसको अनदर जिला में अप्लाई नहीं करना, नहीं तो सारा आपका निरस्त हो जाएगा, ठीक है। और जल्दी पोस्ट कर दीजिए, 18 तारीख की लास्ट डेट है। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा।